अनकुक्ड वेजिटेबल जितनी खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, उतने आपकी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपने अपनी सब पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसका रिस्पॉन्स आपको देना शुरू कर देगी। और जितनी भी एक्सरसाइज है आपने जंपिंग वाली या नीचे लेट कर एक्सरसाइज करनी जरूर है, इससे आपका बेनिफिट बहुत जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनल डॉक्टर अकीला मुश्ताक। आई एम सीईओ ऑफ ब्यूटी बाय डॉक्टर अकीला मुश्ताक। आई एम करंट वर्किंग एट लाहौर पॉलीक्लिनिक एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल। बेली फैट क्यों नहीं कम होता, कौन सी एक्सरसाइज करें या कौन सा ऐसा डाइट प्लान फॉलो करें जो आपका ये बेली फैट की जो आपको बहुत ज़्यादा देर से इंक्रीज हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। जो मैं आपको टिप्स, स्टेमिंग और डाइट प्लान बताऊँगी वो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपनी डाइट पोर्शन कंट्रोल करना है। आपने जितने कार्ब्स वगैरह लेते हैं, सिंपल आप लेना है या अपनी रूटीन का वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो आपके डेली बेस पे आप इंटेक कर रहे हैं, तो आज से आपने उसको कंट्रोल करना शुरू करना है। फिर उसके बाद जितना भी आप चीज़ें वगैरह खा रहे हैं उसके आपने पोर्शन बनाना है। पोर्शन इस सेंस में कि आपने जो ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह चीज़ें आप डेली बेस पर इंटेक कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। टाइमिंग के साथ साथ आपने अपना शेड्यूल बनाना है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने पोर्शन रखने हैं। जैसा कि आप सुबह खाली पेट अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने का। तब वो आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद खाने से पहले या खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जितना हो सके वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने कुक वेजिटेबल ज़्यादा खानी, अनकुक सालन वगैरह कम खाने, मतलब कि अनकुक वेजिटेबल जितनी खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, उतने आपकी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपने अपनी सब पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसका रिस्पॉन्स आपको देना शुरू कर देगी। और जितनी भी एक्सरसाइज है आपने जंपिंग वाली या नीचे लेट कर एक्सरसाइज करनी जरूर है, उससे आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि आपने जितना हो सके अपने डाइट के अंदर पोर्शन कंट्रोल रखें। पोर्शन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऑटोमेटिक वो रिजल्ट देना शुरू करता है जो आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। तो मैन हो चाहे वुमेन हो या अडल्ट एज के अंदर आपका फैट इंक्रीज हो रहा है तो आपने बेली फैट इंक्रीज नहीं करना क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी शेप चेंज करना शुरू कर देता है। तो आज से आपने एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाना है, फिर उसके बाद वॉक करनी है, टाइम के ऊपर डाइट प्लान को फॉलो करना है। आपने रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी, कुक वेजिटेबल्स आपने कम खानी, मतलब जो कुक ज़्यादा की जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कल्चर है सैलड की फॉर्म में दूसरी चीज़ों आप बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो आज से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आता है कि आपने जितनी भी चीज़ें इंटेक करनी है तो उसके अंदर शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो फिर आपको रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इन सबको फॉलो करें। दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं इजिली। थैंक यू।